सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए सरोजिनी नायडू की फेमस पोइम इफ़ यू कॉल मी, जो पोइम है उसकी एनालिसिस लेके आया हूँ। सबसे पहले हम सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ देख लेते हैं। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इनकी डेथ 2 मार्च 1949 को हुई थी। इनका निक नेम नाइटेंगल ऑफ इंडिया, इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके फेमस वर्क हैं, 1905 में इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये यूके में पब्लिश हुआ था। सेकंड इनका फेमस वर्क है द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये लंदन में पब्लिश हुआ था। 1917 में इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये जो वर्क है हमारा जो इफ़ यू कॉल मी, इसी द ब्रोकन विंग पोइट्री कलेक्शन से लिया गया है। 1943 में इनका एक वर्क पब्लिश हुआ द स्केप्टर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये पोस्थ्यूमसली मतलब मरणोपरांत पब्लिश हुआ था। इसके बाद इनकी बेटी पद्मजा नायडू ने इनके एक वर्क को एडिट करके पब्लिश किया, उस वर्क का नाम था द फीदर ऑफ द डॉन। और लास्ट में 1971 में इनका एक वर्क पब्लिश हुआ द इंडियन वीवर्स, जो हमारी पोइम है इफ़ यू कॉल मी, एक पैशनेट लव पोइम है जिसमें जो बिलवेड है वो अपने लवर की कॉल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जैसे ही उसकी उसकी बिलवेड उसे एक आवाज़ देगी वैसे ही वो दौड़ी चली जाएगी और किसी भी परेशानी की परवाह ना करते हुए सीधा उससे जाकर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। इफ यू कॉल मी I will come, swifter oh my love, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं भागी आऊंगी, swift तेजी का तेजी से speedly भागी आऊंगी, oh my love, then a trembling forest deer, trembling यहां पर एक adjective है, forest deer ये एक यहां पर deer यहां पे एक metaphor है, तो ये एक मेटाफर का यूज करते हुए कहती हैं कि मैं उतनी ही तेजी से अपनी बिलविड की तरफ भागी आऊंगी जितनी तेजी से माउंटेन डियर, जंगलों में रहने वाला जो जो हिरन है वो अपनी मेट की आवाज पर भागता है। और ए पांटिंग डव, यहाँ पे पांटिंग भी एक एडजेक्टिव है, डव भी यहाँ पर एक मेटाफर है, डव मतलब कबूतर, या जो जो कबूतर है वो अपनी नी कंपेनियन की कुकू की आवाज से भागा हुआ आता है, मैं उससे भी ज्यादा तेजी से भाग कर आऊंगी जितनी तेजी से हिरन भाग कर आता है या कबूतर उड़ कर आता है। जो ये माउंटेन डियर और ये डव का जो मेटाफर है बड़े ही रोमांटिक और सेंसुअस मेटाफर है जो कि एक लवर और बिलवड की मीटिंग को सजेस्ट करते हैं। डव की जो कुकिंग है और डियर की जो रनिंग है और उनके जो कंपेनियंस की कॉल है, ये सेक्स सिंबल को सजेस्ट करते हैं और फिजिकल नियरनेस को भी सजेस्ट करते हैं। वो ये आइडिया भी हमें बताते हैं कि लवर और बिलवड इंस्पेरेबल है, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। सेक्सुअल अंडरटोन को आप दो एडजेक्टिव ट्रेम्बलिंग और पांटिंग से भी सजेस्ट कर सकते हैं। सरोजिनी नायडू ने इन जेस्टर्स, इन एल्यूजन को एक्सप्लोइट किया, इन साउंड्स को एक्सप्लोइट किया ताकि वो लवर और बिलविड के बीच की जो अट्रैक्शन है उसके सेक्सुअल एस्पेक्ट को हमारे सामने ला सके। बाद में टीएस इलियट ने भी इसी टेक्निक का प्रयोग किया और उन्होंने ऐसे ही जेस्टर्स और साउंड का प्रयोग फ्रीक्वेंटली किया ताकि वो सेक्सुअल अंडरटोन को सजेस्ट कर सके। थर्ड इमेज देती हैं, स्विफ्टर देन ए स्नेक दैट फ्लाइज टू द चार्मर्स थ्रैल। अब वो ये कहती हैं कि थर्ड इमेज जो है वो एक स्नेक की, एक सांप की इमेज है जो कि अपने बीन बजाने वाले की तरफ उड़कर चला हुआ आता है। ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली सेक्सुअल है, ये चार्मर की म्यूजिकल साउंड और हार्ट के डायरेक्ट अटैचमेंट को सजेस्ट करता है।
वो कहती है कि जैसे कि सांप की जो क्रीपिंग है और वो जो चार्मर की आवाज से जो सांप क्रीपिंग करता हुआ आता है, जैसे ही मेरा बिलविड मुझे बुलाएगा मैं भी चली जाऊंगी। इफ यू कॉल मी आई विल कम फियरलेस वट बिफॉल, अगर तुम मुझे बुलाओगे मैं चली आऊंगी। फियरलेस वट बिफॉल, बिफॉल एक आर्काइक वर्ड है जिसका मतलब होता हैपन, जो मर्जी हो उससे फियरलेस, उससे बिना डरे जो तू बुलाएगा मैं दौड़ी चली आऊंगी। मुझे कोई दुनिया की परवाह नहीं है, कोई समाज की परवाह नहीं है, जब तू बुलाएगा मैं दौड़ी चली आऊंगी। सेकंड स्टैंजा है, इफ यू कॉल मी आई विल कम स्विफ्टर देन डिजायर। अब यहाँ पे वो फिजिकल बात नहीं करती है बल्कि वो एथरल इमेजेस, डिजायर की इमेज देती हैं, और भी कई इमेजेस देंगी जैसे कि डिजायर, लाइटनिंग, लाइफ्स डार्क टाइड्स और डेथ डीप चास्म। ये सारी इमेजेस जो हैं ये फिजिकल नहीं है बल्कि एथरल है। इनसे हमें पता चलता है कि वो धीरे धीरे जितना मर्जी खतरा हो उनके अंदर उनसे मिलने की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। वो अपनी जान पर खेल कर भी अपने बिलोविड से मिलना चाहती है। अगर तुम मुझे बुलाओगे मैं डिजायर इच्छा से भी तेज दौड़कर मिलने आ जाऊंगी। स्विफ्टर देन दी लाइटनिंग स्पीड, बिजली के पैरों से भी तेज दौड़कर आ जाऊंगी। शोड विद प्लम्स ऑफ फायर, बिजली के वो पैर जिन्होंने आग के पंख लगा पहन रखे हैं उनसे भी तेज दौड़कर मैं आ जाऊंगी। लाइफ्स डार्क टाइड में रोल बिटवीन, वो तो वो गहरी जिंदगी की जो गहरी टाइड्स हैं वो जो हमारे बीच में आएंगी मैं उनको भी पार करके आ जाऊंगी। और डेथ्स डीप चास्म डिवाइड, या जो मौत की घनी घाटियां हैं मैं उनको भी पार कर कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उनकी जो लवर से मिलने की इंटेंस डिजायर है उसका एक फिलोसफिकल डायमेंशन भी है। उनकी जो मीटिंग की इच्छा है उसके अंदर एक मिस्टिक, एक रहस्यमयी सेल्फ सरेंडर है, और इसलिए वो चाज्म जैसी चीज को भी क्रॉस करना चाहती है। सरोजनी नायडू की जो पोइट्री है वो मल्टी डायमेंशन है। उन्होंने रोमांटिक सेंस को बहुत ही शानदार तरीके से सबलिमिनली कंबाइन किया है। उनकी जो पोएम है वो रोमांटिक मिस्टिसिज्म और माइथोलॉजी की एक जबरदस्त ब्लेंडिंग है। रोमांटिक रोमांटिक मिस्टिकल एंड माइथोलॉजिकल, ये उनकी पोएट्री की सटलिटी है। वो कहती हैं कि जब अगर तुम मुझे बुलाओगे तो चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे से मिलने आ जाऊंगी। ये जो लव सॉन्ग है एक तरफ तो ये रोमांटिक आर्ट से सेचुरेटेड है, और सेकंड टाइम जैसे वो राधा और कृष्ण जी का एक माइथोलॉजिकल लव है, ये उस तरह का प्यार है। बिलविड की ये इच्छा है कि वो अपने प्रेमी से भागकर मिल लाए, चाहे उसके मिलने में उसकी जान भी ना चली जाए। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आत्मा है उसके अंदर एक इररिजिस्टेबल डिजायर होती है कि वो एटर्नल सोल, उस गॉड से मिलना चाहती है। इस तरह ये जो पोइम है ये सरोजनी नायडू की यूनिक लिटरेरी आर्ट और फीलिंग का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के मैसेज मिलते रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।